जनाब अगर मेरे डॉक्टर साहब, मैं पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस हाउस में इस ओहदे को संभालने के लिए शायद आप नेचुरल चॉइस थे, और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर ने तजवीज पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें, एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है, आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं। शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह से लेके अभी तक मां सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें के शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला एज चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या ऑपोजिशन में रहकर आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियां संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रहके ऑपोजिशन में रहके आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं, अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रखवाली करेंगे। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन के तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नजर ट्रेजरी के बेंचेस पे होगी, शायद उससे ज्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के बेंचेस को आपकी मदद, आपके सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस ठीक तरह से चले। हम जिस भी पार्टी से चुन के आए हैं, जिस भी क्षेत्र से चुन के आए हैं, जिस भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए हैं, लोगों का हमें यहाँ भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज बुलंद हो और उनके मुतालबे मुश्किलात जो हैं हल हों। ये उम्मीद करते हुए कि हम सबके तरफ से इस हाउस को चलाने में आपको पूरा ताउन हासिल होगा, मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके का आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ।